मेरे पापा खुद सिंगर हैं, उन्हीं से हमने सीखा है। और ये जो बायोग्राफी थी ये बन रही थी पद्मश्री पद्मा सचदेव जी पे, वो देखने आई। अच्छा ए, मेरा रोल ए करा दिया मैं, ए निकली कुड़ी। हमने देखा कि इतनी बड़ी लेडी और अपने लैंग्वेज में बात कर रही है। सेट में जब हर इंसान क्लैप करता है तो बहुत अच्छा लगता है कि और अच्छा करना है, इससे और अच्छा करना है। Hi, good evening, ma'am. Hi, ma'am. How are you? I'm good. Thank you so much for joining this Instagram live session. जी, no, it's my pleasure. कि मतलब आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। और सबसे मतलब जितने भी व्यूअर्स इस टाइम देख रहे हैं, जो मुझे भी ज्वाइन करते हैं, मतलब जो मुझे भी फॉलो करते हैं और आपको भी फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है exactly. सबसे बात करके। बहुत सेम हियर मैम कि आप इस लाइव सेशन को आपने ज्वाइन किया है। और अभी मैं दर्शकों से यही बात कर रही थी कि बहुत कम समय में एक बड़े पर्दे पे आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। और आपका जो प्यार है म्यूजिक के लिए, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं खींच लाता है हमें कि हम आर्टिस्ट की तरफ जाएं और लोगों के बीच उन्हें जरूर लाएं। तो मैं यही पूछना चाहूंगी आज इस लाइव सेशन को शुरू करने से पहले कि आपका ये जो प्यार है म्यूजिक को लेके, ये मतलब बचपन से है या फिर कुछ इंस्पिरेशन के बाद ही आपने शुरू किया? जैसा कि आपने मुझे पहला सवाल जो पूछा है, बहुत सबको पता है जो मुझे जानते हैं और जो मुझे पहचानते भी हैं, उन सबको पता है कि मेरे पापा खुद सिंगर हैं और मैंने उन्हीं से जो म्यूजिक है उन्हीं से सीखा है। और ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ जो है मैं वहां से, जैसे कहते हैं ना आप इनबॉर्न आपके अंदर है क्वालिटी, वो तो होती ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा और ज्यादा जो शेप दिया है वो मेरे पापा ने दिया है। तो मेरे पापा ही मेरे इंस्पिरेशन है, उन्हीं से हमने सीखा है। ज्यादा भी मैंने कोई इतना इंटरेस्ट दिखा के नहीं सीखा कि मैं हाँ एक दिन मैंने म्यूजिक में बहुत नाम कमाना है, ऐसा कुछ नहीं सीखा। लेकिन जितना एक रियाज करना होता है, जो बचपन में एक रियाज करते हैं, वो हमने किया है। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो इसके साथ साथ ही म्यूजिक की बात के बाद मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस बात से, क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर जिमी शेरगिल जो है, उनके साथ आप काम कर चुके हैं और बहुत ही रिनाउंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये मूवी जो है वो डायरेक्ट की है, उसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ। एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। मतलब आप जब कैमराज देखते हैं, मैं पहले जब मुझे ये फिल्म को ऑफर हुआ था, आई थिंक आई वॉज इन 2000, लाइक मैं दो सेकेंड क्लास में रही होंगी और मुझे इतना पता नहीं था। उससे पहले हम थिएटर करते थे और जो थिएटर होता है उसमें आप लाइवली परफॉर्म करते हो, स्टेज पे परफॉर्म करते हो, बट ये कभी सोचा नहीं था कि फिल्म करेंगे। और फिल्म में क्या कैमरा होता है या लाइव आपको ऑडियंस देखती है, तो वो क्लैरिटी नहीं थी क्योंकि बहुत छोटी थी। जब फिल्म को ऑफर हुआ और यहाँ ऑडिशंस हुए थे जम्मू में, तो मैं वहाँ पे गई थी और यहाँ पे मतलब कास्टिंग डायरेक्टर जोगी मलंग जी आए थे, बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, अभी आरआरआर की कास्टिंग उन्होंने की है। तो वो यहाँ आए थे और उन्होंने जब मेरी कास्टिंग की, फिर उन्होंने मुझे यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। फिर जब बॉम्बे गए, दिल्ली में मेरा ऑडिशन खुद लिया था शुजित सरकार ने, उन्होंने खुद ऑडिशन लिया था मेरा, और उस टाइम पर उन्होंने मुझे डायरेक्ट कहा कि मुझे यही लड़की चाहिए फिल्म के लिए। तो बहुत खुशी होती है जब, क्योंकि पेरेंट्स बहुत खुश थे, मुझे तो पता ही नहीं हो क्या रहा है क्योंकि इतनी सेंस नहीं थी, तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हुए। और जब सेट पे लेके गए तो वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि आप मतलब यकीन नहीं मानोगे, आपकी बात मानी जाती। पहले तो आप छोटे हो और अगर आप कुछ बोल दो तो सब आपकी बात मानते हैं कि छोटे बच्चे ने कुछ बोल दिया तो मैगी चाहिए तो मैगी चाहिए, चॉकलेट चाहिए तो यही चाहिए, तो हर कोई सीन करवाना ऐसे करवाना। बट आई वॉज वेरी डेडिकेटेड, बहुत ज्यादा, अगर मुझे कुछ बोला जाता था तो मैं वैसा कर देती थी। तो फिर वो क्लैप जो होती है जब आपके पूरे सेट में जब हर इंसान क्लैप करता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि और अच्छा करना है, इससे और अच्छा करना है। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। एंड रही बात जो, जैसा आपने बोला कि मेरे फेवरेट जिमी शेरगिल हैं, वो मेरे आज भी बहुत फेवरेट हैं। पहले मुझे पता नहीं था, इसीलिए बड़ी सारी चीजें मेरे पापा ने, मम्मा ने, भैया ने क्लियर की कि माचिस में बहुत फेम मिला था उनको, माचिस फिल्म से बहुत फेम मिला था, तो वो एक्टर आपको वहां पे मिलेंगे। तो आई सीरियसली मतलब आपसे मैं ये बात करूं तो, जब मैंने उनका एक सीन था, जब मैंने उनका हाथ पकड़ा था एक सीन में,
मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी जैसे कोई मतलब रोमांटिक फिल्म चल रही है, छोटी बच्ची को ऐसे फीलिंग्स आ रही है, तो आप सोचो कितना अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था वैसा. Exactly. So, इस मूवी के साथ साथ एक आपकी फीचर फिल्म थी करीम मोहम्मद, तो वो तो मतलब बेसिकली उसका एक्सपीरियंस एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे होगा. हाँ. So, उसकी अगर आप थोड़ी सी झलक हमें बताएंगे, करीम मोहम्मद किसके बारे में थी, क्या था? हाँ, ये बेसिकली एनएसडी के एक डायरेक्टर पास आउट हुए थे, तो उन्होंने ये फिल्म बनाई करीम मोहम्मद, पवन कुमार शर्मा फिल्म के डायरेक्टर हैं. और फिल्म का जो एक प्लॉट है वो बेसिकली बकरवाल कम्युनिटी पे है, जो कम्युनिटी होती है जिनका मतलब इस पार भी ज्यादा होता रहता है और उस पार भी ज्यादा बकरियां बकरियां जो चराते हैं, उस तरीके का था. और मुझे फिल्म का ऑफर ऐसे आया कि जो फिल्म में मेरे जिन्होंने हस्बैंड का कैरेक्टर किया है यशपाल शर्मा, वो भी बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, तो उन्होंने वो जब स्क्रिप्ट रीड कर रहे थे तो उसमें उनकी जैसे वो स्क्रिप्ट किसी के साथ रीड कर रहे थे या डायरेक्टर के साथ रीड कर रहे थे, तो उसमें एक कैरेक्टर का नाम आता है, उनकी बीवी की अभी अभी डिलीवरी हुई होती है तो अपनी बेटी का नाम वो रखते हैं जूही. तो जब उन्होंने वो कैरेक्टर रीड किया तो उनके दिमाग में एकदम से आया कि यार जूही से अपनी बीवी का कैरेक्टर करवाता हूँ, तो जब बच्चा होगा वो भी जूही होगा. तो फिर मुझे फिल्म को ऑफर हुआ और मैंने फिल्म की बखूबी अच्छा सा उसे निभाया. एंड 2018 में इसका प्रीमियर हुआ है, बॉम्बे में प्रीमियर हुआ था. और एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था कि एक साथ मतलब 1000 बकरियों को आपने एक साथ इकट्ठा करना है पहाड़ी एरिया में, और मतलब बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं, उनको बुलाना कैसे है, आजा 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 इस तरीके से. तो ये चीज जो वो भी सिखाया गया था. हाँ, बहुत जितनी भी कंट्री साइड ये चीजें होती हैं ये भी सिखाई जाती हैं. फिर उस फिल्म में मैं एक प्रेग्नेंट लेडी का कैरेक्टर भी कर रही थी, तो साथ साथ हाउ टू वॉक, कैसे बात करनी है, एक इफ शी इज 7 months प्रेग्नेंट तो वो पहाड़ से कैसे उतरेगी. तो हम ये जो सोचते हैं ना कि बहुत ऐसे, क्योंकि जो सिटी लाइफ होती है, अर्बन लाइफ जो होती है और रूरल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है. वहां की जो लेडीज होती हैं वो बहुत ताकतवर होती हैं, तो यू हैव टू शो देम कि मैं बहुत स्ट्रेंथ है मेरे में. तो हम जब इस चीज का कैरेक्टराइजेशन में जब घुसते हैं तो बहुत हम ऐसे करते हैं कि यार अर्बन लाइफ की तरह बड़ा आए नजाकत के साथ. नहीं जूही, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत लाइवली रहना है, स्ट्रेंथ रखनी है अपने आप में. और ये बहुत एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा मिला, क्योंकि बहुत कम ऐसे कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं और जिसे आप अच्छे से निभाते हैं. Exactly. So, मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी चीजें हमें बताने को, लेकिन इस बीच में आपको थोड़ी देर जरूर रोकना चाहूंगी क्योंकि इतनी मीठी आवाज हमारे साथ जुड़ी है, दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, गाना नहीं हो ऐसे कैसे हो सकता है. बिल्कुल, गाना तो सॉन्ग अगर आप हमारे ऑडियंस के लिए प्लीज. मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये गाना. लग जा कर के फिर हसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो ना हो. लग जा कर के फिर हसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो ना हो. लग जा कर से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के दे खलीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो शायद फिर से जन्म मुलाकात हो ना हो. लग जा गले से. थैंक यू. अमेजिंग अमेजिंग, मतलब बातें सुन रहे हैं वो इतनी प्यारी हैं, गाने सुन रहे हैं वो इतने प्यारे हैं. तो इसी के साथ एक और बहुत ही बड़ी रिनाउंड पर्सनालिटी है
हमारी श्रीमती पद्मा सचदेव जी, जिनकी बायोग्राफी में आपने काम किया था, सो उनके बारे में जरूर जानना चाहूंगी मैं कि कैसा था वो और क्या एक्सपीरियंस था. मैं आपको मतलब एक चीज बताती हूँ, जैसे शुरू से अगर मैं बात करूँ, जैसे ही थिएटर भी करती थी छोटी उम्र में, चाइल्ड एक्टर थी, और फिर पहली फिल्म का ऑफर मिला यहाँ का, एंड उसके सडन बाद ये जो बायोग्राफी थी ये बन रही थी पद्मश्री पद्मा सचदेव जी पे, और नाम हमने सुना रखा था क्योंकि पापा हमें कभी कभी गाने सुनाते थे उनके या सिखाते भी थे. तो जब ये इस रोल का ऑफर हुआ तो उन्होंने कहा कि हमें जूही लगती है क्योंकि वो बहुत फेयर है, बहुत गोरे हैं, और उनके कैरेक्टर को निभाना है तो शायद जूही अच्छे से कर पाएगी, और अभी अभी थोड़ा डोगरी टच भी आया है, उसने नाटक वैसे किए हैं, थोड़े डोगरी प्लेस किए हैं. तो मुझे याद है उसमें मेरे मदर का कैरेक्टर जो थी, मतलब पद्म श्री पद्मा सचदेव की जो मदर का कैरेक्टर जिन्होंने किया था वो थी सपना सोनी जी. उन्होंने बहुत अच्छे से, ज्यादा कोई रोल नहीं था क्योंकि बचपन में ऐसे उनके भाई भाई का कैरेक्टर भी था एक, तो मुझे याद है जब हम सीन प्ले कर शूट कर रहे थे मुबारक मंडी में, उनका घर उसी तरफ से, तो जब हम कर रहे थे तो वहां पे वो आई. उस टाइम पे वो अच्छे से वॉक कर पाती थी, अच्छे से चल पाती थी, तो वो देखने आई. अच्छा ए, मेरा रोल ए करा दिया मैं, ए निकी कुड़ी कुदिया नहीं कुड़ी, मतलब इस तरीके से जब बात कर रहे थे, तो मैंने तब ना हमने देखा कि इतनी बड़ी लेडी और अपने लैंग्वेज में बात कर रही है, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा इन्होंने कमाल से, क्योंकि हमें पता नहीं था, और कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा, इसलिए अपने कल्चर में बात करें देखो कितने अच्छे हैं, मतलब कोई शर्म नहीं आ रही किसी, मतलब ऐसे करने में. तो जो हमारे डायलॉग्स थे वो भी डोगरी में थे, तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, उनसे मिलके, तो वो बहुत खुश होती थी. मेरे पापा की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, और मतलब एक अलग एक्सपीरियंस होता है जब आपके पापा को कोई जानता है और उनकी तारीफ करता है और पापा उनकी तारीफ करते हैं, तो ये बहुत ही अमेजिंग था. और जब जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रही थी, उनकी जो साड़ी, जिस तरीके से वो अपने आप को मतलब कैरी करती हैं, बहुत हाँ बहुत अच्छा था. और आज हम उन्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं, सीरियसली बहुत ज्यादा मिस करते हैं, क्योंकि हम अगर डोगरी में आज गा रहे हैं, अगर कोई फोक हम रिवाइव कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी हिम्मत उन्होंने रख के अपने कल्चर को आगे बढ़ाया, उस फोक को रिवाइव किया है, फ्यूजन लाया, हर एक चीज, बहुत चीज कमाल की उन्होंने, तो दिल से उनको रिस्पेक्ट है. आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच में ही है और हम सबको देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो मैंने बीज जो बोया है वो आज पेड़ बन के फल दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है. एग्जैक्टली जी. सो अभी आपने बात की बीच में डोगरी की, तो मतलब वैसे भी मतलब डोगरी जो लैंग्वेज है जम्मू में, तो मतलब हम नॉर्मल आपस में भी डोगरी में बात करते हैं, और डोगरी गानों को आजकल काफी सराया जा रहा है, तो आपकी आवाज में एक डोगरी सॉन्ग क्यों ना हो जाए. बिल्कुल, मैं आपको डोगरी गाना सुनाती हूँ जी. लिरिक्स में बहुत हमेशा हमेशा से कंफ्यूजन रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं से पूरा कर ही देती हूँ मैं. नहीं, बहुत अच्छा गाती है आप डोगरी हिंदी. थैंक यू. इसीलिए शायद आपने ये मैंने सुना भी है आपके लिए कि आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में गा सकती हैं. और हाल ही में एक फोक स्टूडियो शुरू हुआ है जिसमें मैंने आपका गाना सुना था, और उसमें शायद दो गानों में रिमिक्स है आपका, और वो भी काफी अच्छा जो है वो गीत यूट्यूब पे जा रहा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो बहुत ज्यादा जाए और बाहर के लोग भी डोगरी सुने, जिस तरह से पंजाबी सुन रहे हैं, इंग्लिश सुन रहे हैं, डोगरी भी सुने,
तो इसी बीच अगर मैं आपको बोलूं कि उन दोनों सॉन्ग्स का अगर मिक्सचर, क्योंकि अब मुझे ज्यादा लालच मिल रहा है सॉन्ग्स का हो रहा है, तो वो सॉन्ग का अगर आप मिक्सचर हमें सुना दे प्लीज। बहुत मतलब एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं नाटी रूट्स प्रोडक्शन और सोनाली दी आकाश भैया, उन्होंने बहुत मेहनत की है और हमारा गाना भी रखा है, हम बहुत खुश गुजार हैं उनके। और ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसे चीजें डोगरी आर्टिस्ट को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि फोक स्टूडियो मेलोडीज अभी सीजन वन आया है और सीजन टू में बहुत ही कमाल के और भी सिंगर्स होंगे, एंड हमारा गाना, यस गाना तो बहुत कमाल का है वैसे ना। ओ पनो गोड़ी का बढ़ दे ओ पर तारा, ओ पनो गोड़ी का बढ़ दे ओ पर तारा, ओ खोटा सिक्का नहीं मंग दे नोट करारा, ओ खोटा सिक्का नहीं मंग दे नोट करारा। कोई सब्ज अनूर चना, कोई सब्ज अंगूर चना, रब को डर थोड़ा ना हो मगरूर चना। झुमका पाइए तो बड़ी शैल लगनी, झुमका पाइए तो बड़ी शैल लगनी, झुमका तो पाइले दिलदार सोनिए, झुमका तो पाइले दिलदार सोनिए, नथ पाइए तो बड़ी शैल लगनी, नथ पाइए तो बड़ी शैल लगनी, नथ तो पाइले दिलदार सोनिए, नथ तो पाइले दिलदार सोनिए। तो ये बहुत बहुत अच्छा फ्यूजन उन्होंने रखा कि पापा का पहले वर्जन रखा था उन्होंने, नहीं कर गोरी है मैली आंखियां, और उसके बाद फिर हमारा रखा, एंड बहुत अच्छा है क्योंकि फ्यूजन बहुत होना चाहिए डोगरी में। अगर डोगरी में फ्यूजन नहीं होगा, इसी तरीके की चीज नहीं होगी, तो ये सच में ये चली जाएगी, कोई बचा नहीं पाएगा इनको, और ऐसे गाने होने चाहिए। और इसे बचाने के लिए ये जो नई नई मुहिम लगाई जा रही है, हमारे बहुत अलग अलग आर्टिस्ट हैं जम्मू से जो बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, और उनमें से आप एक हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं इतने प्यारे प्यारे गीत। और इसी बीच थोड़ा सा इसको हम सिंगिंग से और उससे हटाते हैं, क्योंकि एक्टिंग का आपका काफी लंबा सफर रहा है और बचपन से आप थिएटर कर रही हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ एक्ट ना कराएं हम आपको। तो एक छोटा सा डायलॉग अगर मूवी का या किसी प्ले का आप हमारे लिए एक्ट कर दें। मैंने जो थिएटर सीखा है वो नटरंग से सीखा है, मेरी मतलब पहले जो वर्कशॉप्स होती थी बलवंत ठाकुर सर जी के ग्रुप से, और उसमें एक उनका बहुत ही फेमस प्ले है, प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी ने लिखा है, बाबा जित्तो। तो उसमें मैंने बुआ गौरी का कैरेक्टर प्ले किया है, तो मुझे उसका डायलॉग आज भी याद है, क्योंकि जब भी मैं वो नाटक करती थी, हमने बहुत उसे जम्मू में भी खेला, बाहर भी खेला, चेन्नई साउथ में भी खेला, और लोग मतलब रिलेट कर लेते हैं, ऐसा नहीं हमारी डोगरी समझ नहीं आती, क्योंकि विजुअल्स भी साथ में चलते हैं। तो उसमें बड़े सारे कैरेक्टर्स, जैसे उनकी चाची जोजा थी वो एक इविल कैरेक्टर था, और किस तरीके से वो हर एक इंसान रिलेट करता है। तो मेरा एक डायलॉग था स्टार्टिंग में, मतलब मॉर्निंग क्या होता है कि सुबह सुबह लड़की उठती है और अपने बापू से कहती है, बापू मतलब फादर से कहती है कि बापू, ओ बापू जी, तो वहां से आवाज आती है कि के गल है ये इन्नी बडले बडले के नोन चली है, तो लड़की कहती है आऊ ते कुने बेले दी नाई बैठे दिया, तुंदे ठोगर नुआलने जा नहीं, उंदे आस्ते नाड़ुएं दा ठंडा पानी लैन जा करनिया, तुंदी रोली रोली चली जन्नी आ, ते परतोने तकर लोक के नी थोड़ी मती आओ जाई भी लकी पोनी है, वाओ इकली भी डरनी थोड़ी आ। इस तरीके का डायलॉग था कि फादर डॉटर से कहते हैं कि इस तरीके का आप कहाँ जा रही हो, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है कि मैं सुबह सुबह नहाकर भगवान जी को मैंने नहलाना है। तो बहुत मतलब अमेजिंग है, आप कभी देखेंगे आज भी वो नाटक खेला जाता है, और उनके सारे नाटक बहुत ही कमाल। वर्ड यूज किया डोगरी में, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मुझे लगता है कि मैं आपसे वो जरूर पूछना चाहूंगी कि अभी आपने कुछ वर्ड यूज किया ना नाडू, हाँ हाँ, तो उसका मतलब क्या होता है नाडू, मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, नाडू का मतलब होता है छोटे छोटे जो नाले होते हैं ना, जहाँ से पानी बहता है, छोटे छोटे नदी नाले, तो उस टाइम पे पहाड़ों से फ्रेश फ्रेश पानी आता था, तो लोग भरने जाते हैं, जैसे चश्मा होता है, जैसे कश्मीर में चश्मा होता है,
तो उस तरीके से ये चीज का मतलब जिक्र किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रही थी कि ये है हमारी टिपिकल डोगरी के वर्ड्स जो हमें पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, और ये मतलब बारीकियां हैं छोटी छोटी। यस एग्जैक्टली, तो बहुत सारी चीजें हमने आपसे सुनी भी है और आपकी जो मूवी की एक्टिंग की सिंगिंग की जर्नी है। इसी बीच एक छोटी सी गेम मैं चाहती हूँ आपसे खेलूं, एक रैपिड फायर करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, आप उनका आंसर दीजिए, ठीक है जी। सो एक ऐसी चीज जिसके बिना आप रह नहीं सकते। मैं अपने यूकेलेले के बिना नहीं रह सकती, मुझे वो हर जगह चाहिए, मतलब कहीं पे भी कहां भी। और उस पे आपको सबसे ज्यादा सॉन्ग कौन सा पसंद है प्ले करना? मुझे बहुत सारे, मतलब मुझे मोस्टली अगर मेरा फेवरेट कोई एक सॉन्ग, मुझे अगर आप कोई फेवरेट गाना पूछोगे तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी मैं आने चलो मान जाओ, वो गाना बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, ओके। सो कहीं जाना हो कितना टाइम लगता है आपको डिसाइड करने में कि आपको क्या पहनना है? बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और ऐसा नहीं है कि मैं मॉर्निंग में ही तैयारी शुरू कर देती हूँ, जैसे ही घड़ी पे आधा घंटा बचा है उसके बाद तो मेरे कपड़े ऐसे अलमारी यहाँ से निकलते हैं वहां से निकलते हैं, और बहुत मुश्किल हो जाता है कौन सा कलर पहनना है कौन सा नहीं। लेकिन अगर सब कुछ डिसाइड पहले से है तो मैं विद इन 5 मिनट्स में रेडी हो जाती हूँ। ओके, सो अभी तक का शॉपिंग ब्लंडर क्या किया है आपने? मतलब बहुत सारी ऑनलाइन साइट से पैसे दे दिए पर चीज मिली नहीं। चीज मिली नहीं, ओके। सो लास्ट मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग जो अभी तक आपने की हो? एस सच मुझे लगता नहीं है कोई एम्बैरेसिंग ऐसे मोमेंट आया नहीं अभी तक, लगता नहीं मुझे। चलो मतलब इट्स नो, ओके। हाँ इट्स नो, ओके। सो ये रैपिड फायर तो ये खत्म होता है, लेकिन हम आपको ऐसे तो जाने नहीं देंगे, पहले तो बहुत सारी ऑडियंस जो हमारे साथ जुड़ी है और अभी तक अंत तक हमारे साथ बनी हुई है, उनके लिए कोई मैसेज प्लीज आप दें, एक मैसेज जो आप कहना चाहती हैं उनको, अपनी दिल की बात। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे वीडियोस को और ज्यादा प्यार दीजिए, हमें बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि हमारे जैसे हम जम्मू में रहते हैं, मैं पहले बॉम्बे में थी अब मैं जम्मू में हूँ, तो जम्मू वालों के लिए इतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। जितने भी सिंगर्स जितने भी एक्टर्स यहाँ जम्मू में काम कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें इक्वली सपोर्ट कीजिए। अगर वो ज्यादा आपसे कुछ नहीं मांगते लेकिन आपका साथ मांगते हैं, और अगर आप ये चीज में हाँ कर देते हैं तो उनका एक लेवल और अप हो जाता है, वो और हिम्मत करते हैं आगे आने की। तो मैं यही सबसे डिमांड करती हूँ कि जितने भी लोगों ने कोशिशें की हैं उनकी कोशिशों को बिल्कुल मतलब खत्म ना कीजिए, सपोर्ट करते रहिए। बिल्कुल, सो जाते जाते अगर आप कुछ गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए, फिर मैं आपसे अलविदा लूंगी, बट गाने के बिना नहीं। मैं यही गाना आपको सुनाती हूँ। Okay. अच्छा जी मैं आने चलो मान जाओ, देखी सबकी यारी मेरा दिल जला, छोटे से कसूर पे ऐसे वो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता, अरे देखो दिल ना तोड़ो छोड़ो हाथ छोड़ो, अरे देखो दिल ना तोड़ो छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे आ समझे, अच्छा जी मैं आने चलो मान जाऊंगा, देखे सबकी तारी मेरा दिल जला। इसी बीच बहुत देर से ना मैं एक कमेंट पढ़ रही हूँ अमित जी का, जिन्होंने ठुमरी गाने के लिए कहा है और अब कह रहे हैं कि पहले ठुमरी गाओ फिर देंगे प्यार, तो अब प्लीज आप ठुमरी गाते ही जाओ। ओके, मेरे को ज्यादा ये इनकी काफी बार रिक्वेस्ट आई है, मुझे लगता है ठुमरी इनके लिए गानी पड़ेगी। मुझे ठुमरी ना ज्यादा याद रहती नहीं है और हम इनकी हमेशा डिमांड रहती है और मैं हमेशा बहुत अवॉइड कर देती हूँ, लेकिन अभी नहीं अवॉइड कर सकती। तसव्वुर में चले आते हो कुछ बातें भी होती है, शब फुरकत भी होती है, मुलाकातें भी होती है, हमारी अटरिया पे आ जा रे सावरिया, देखा देखी बलम हो जाए हमारी अटरिया पे आ जा रे सावरिया,
देखा देखी बलम हो जाए मेरी अटरिया पे. अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू, बहुत ही खूबसूरत. और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी हमारी फरमाइशें सुनी, अपनी जो जर्नी है उसके बारे में बताया. और उम्मीद करती हूँ कि आपके इस सॉन्ग को बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा जो फोक स्टूडियो में आपने गाया है. ऑलरेडी मिल भी बहुत सारा प्यार रहा है. और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज आप यूट्यूब पे जाइए, इस फोक स्टूडियो को सुनिए, और भी जितने भी कलाकार इसमें गा रहे हैं उन्हें सपोर्ट कीजिए. थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग दिस इंस्टाग्राम लाइव. थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, थैंक यू. ओके, बाय, टेक केयर, बाय बाय.